लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जनपद देहरादून में मतगणना की तैयारियों को लेकर अभियान तेज हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका लगातार लोकसभा चुनाव से संबंधित सभी कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग कर रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने बताया कि टिहरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र 15, चक्राता 16, विकास नगर 17, सहसपुर 19, रायपुर 20, राजपुर रोड 21, देहरादून कैंट और 22 मसूरी शामिल है। देहरादून जनपद के 1880 पोलिंग स्टेशन है। चुनाव को लेकर अधिकारियों कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। निर्वाचन के दौरान विभिन्न असामाजिक तत्व निर्वाचन प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, इससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जिले में शांति बनाए रखने निर्वाचन के सफल संचालन के लिए धारा 144 लागू रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे यहाँ पे क्योंकि हमारे 1880 पोलिंग स्टेशन है और उसके हिसाब से जो हमारी पूरी पार्टी है, पोलिंग पार्टी, वो बनाई गई है। मोर देन 10,000 लोग हैं हमारे, अलग अलग विभागों के अलग अलग जगह से हम लोगों ने ऑफिसर्स लगाए हैं और उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। इसके अलावा जो पोलिंग पर्सनल पोलिंग स्टेशन के हैं, उसके अलावा सेक्टर, जोनल, नोडल, सहायक नोडल, अलग अलग हमारे ऑफिसर्स हैं जिनको हमने ड्यूटी।